कब से ये शुरू हुआ सब, किस तरह से काम किया? इसी साल जो है हमने प्रयास किए कि इसको जो ई ऑफिस 100% किया जाए। मैंने 2 जनवरी को यहाँ पे ज्वाइन किया था और उसके इमीडिएटली बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी कि इस ऑफिस को जो है हेडक्वार्टर को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए, क्योंकि आपने देखा कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको फाइल नहीं मिल रही है या कोई एक एम्प्लॉय छुट्टी पे है तो उसके कारण जो सारा का सारा सिस्टम रुक जाता है, या ऑफिसर्स को हायर लेवल के ऑफिसर्स को अगर किसी मीटिंग में जाना पड़ता है या आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो फाइल्स पे एक्सेस ना होने की वजह से जो डिसीजंस हैं वो कई बार बहुत डिले हो जाते हैं, कई बार 10-15 दिन उसमें डिले हो जाता है। तो इसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए और एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मेरा ये प्रयास था कि इस कॉरपोरेशन को पूरी तरह से ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जाए। तो जनवरी के महीने में ही लगभग हमने ई ऑफिस हेडक्वार्टर पे कुछ ब्रांचेस का शुरू कर दिया था और फरवरी में कंप्लीट इसको हमने चेंज कर दिया। फिर एक महीना हमने देखा कि किस तरह से चल रहा जा रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को हमने हिपा में ट्रेनिंग दी या यहाँ पर भी जो है एक्सपर्ट हैं ई ऑफिस के उनको यहाँ पे बुलाया, तो सारे भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया और बहुत अच्छे से जब यहाँ पे चल पड़ा उसके बाद सारे यूनिट्स हैं हमारे जो DDOs हैं जो AGM DGM लेवल के जिनके ऑफिस हैं सबको डायरेक्शन दी कि अब यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंस है हेडक्वार्टर के साथ सारी की सारी ई ऑफिस के थ्रू होगी। तो उनको भी लगभग 1-1.5 महीना इस चीज़ को प्रोसेस को अडॉप्ट करने में लग गया और आज की डेट में ये है कि हमारा सारा जो सिस्टम है ई ऑफिस के थ्रू ही फाइल्स मूव हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि कोई भी फाइल में मतलब डिले नहीं होता है। लेट्स से मुझे अगर मान लीजिए होटल्स की विजिट्स में जाना पड़ता तो उस वजह से कोई फाइल नहीं रुकती है, मैं अपने सिस्टम पे कहीं पर भी हों चाहे दिन है रात है एनी टाइम कोई अर्जेंट फाइल होती है रूटीन की फाइल है साथ के साथ जो कर देते हैं। और अब ये टेंडेंसी है चाहे हेडक्वार्टर की बात करें या फील्ड की बात करें जो भी फाइल है वो सेम डे जो है हर आदमी कोशिश करता है कि सुबह आके सबसे पहले अपना सिस्टम देखे वो सारी फाइलें सेम डे कंप्लीट कर दे, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है किसी की। अगर सिस्टम पे अगर फाइल ज़्यादा टाइम पे वो है तो वो उसको गुम नहीं कर सकता, रिकॉर्ड को छेड़खानी नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि वहाँ पता कि अगर आपके पास 1 बजे फाइल आई और आपने 3 दिन कुछ नहीं है तो उस अधिकारी या कर्मचारी की जो है जवाबदेही बनती है। तो इसलिए हर किसी का प्रयास रहता कि ये जल्दी इस पर करें। और जो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे हेडक्वार्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव डिसीज़ को लिया, अच्छा उनको उन्होंने फीडबैक दी कि अच्छा लग रहा है, पहले जो दूसरी फाइलों के ढेर चलते थे कभी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा रही है या कोई बाहर है तो उस चक्कर में फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब तो इतना एडवांस सिस्टम हमने कर दिया कि इवन मोबाइल के थ्रू भी मोबाइल सिस्टम के थ्रू भी आदमी जो अपनी फाइल जो है उसको कर सकता है। तो कोशिश मेरी है कि आने वाले टाइम में जो है इवन लैपटॉप या सिस्टम की जरूरत ना पड़े, अपने मोबाइल के थ्रू ही आप ई ऑफिस को पूरी तरह चला सकें। तो ये मैं कह सकता हूँ कि शायद ये फर्स्ट कॉरपोरेशन है हिमाचल का जो इस लेवल तक जो है ई ऑफिस में काम कर रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही प्रयास थे, शुरू में उनकी आदेश थे डायरेक्शन थी कि सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एफिशिएंट बनाने के लिए जो है ई ऑफिस प्रणाली को अडॉप्ट किया जाए, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, 100% है, किसी के पास भी कोई यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं आती है, ठीक है। तो लगभग 200 के आसपास तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डीलिंग है जिसमें मतलब जिनके की IDs बने हुए हैं, ठीक है, उनके थ्रू फाइल रूट होती है, कुछ उनके साथ आगे असिस्टेंट होते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि सब एम्प्लॉयज़ की जो आईडी क्रिएट हो चुकी है, फील्ड में भी ऐसा हो चुका है, तो जो जो भी मतलब जिसकी जो जिस लेवल तक वो डीलिंग है फाइल की उसको ई ऑफिस पे कन्वर्ट कर दिया।